बहुत बहुत स्वागत है बच्चों। आज हम लोग वैद्युत प्रतिरोधकता तथा या कह सकते हैं उसी को विशिष्ट प्रतिरोध, इसके बारे में जानेंगे। तो बच्चों, प्रयोगों द्वारा ये देखा गया कि जो प्रतिरोध होता है वो चालक की लंबाई के अनुपातिक था, उसके अनुप्रस्थ क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता था। इस प्रकार सम्मिलित रूप में अगर इसी बात को कहा जाए तो R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L बाई ए, या R इज इक्वल टू रो L बाई ए, जहां रो अनुक्रमानुपाती नियतांक है। इसका मान चालक के पदार्थ की प्रकृति व भौतिक अवस्था, ताप आदि पर निर्भर करता है। ताप आत्म निर्भर करता है, इसे चालक के पदार्थ का वैद्युत पदार्थ की वैद्युत प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। तो ये वैद्युत प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है। तो इसलिए रो इज इक्वल टू आर ए बाई एल, यदि L इज इक्वल टू 1 मीटर, A बराबर 1 मीटर स्क्वायर, तब रो इज इक्वल टू R। अतः चालक के एकांक लंबाई व एकांक अनुप्रस्थ क्षेत्रफल का प्रतिरोध उसके पदार्थ की वैद्युत प्रतिरोधकता कहलाती है। तो ध्यान में आ गया होगा आपको कि प्रतिरोधकता जो है वो R इंटू ए बाई एल के बराबर होती है, और ये उसके अगर एकांक लंबाई एकांक क्षेत्रफल हो तो उसका जो प्रतिरोध होता है ये उसकी प्रतिरोधकता कहलाती है। चलिए इसी बात को थोड़ा सा और आगे बढ़े हैं। वैद्युत प्रतिरोधकता
प्रतिरोध का हो जाएगा ओम, ये आ गया आपका मीटर स्क्वायर अपॉन मीटर, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, इसका मात्रक आ जाएगा ओम मीटर। उम्मीद है आपको बात समझ में आ गई होगी, इसका मात्रक ओम मीटर होगी। तो ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए कि प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध किसे कहते हैं। विशिष्ट चालकता जानेंगे, या पहले आप आइए बच्चों हम लोग वैद्युत चालकता जानेंगे। इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस, तो चालक के प्रतिरोध के व्युत्क्रम को वैद्युत चालकता कहते हैं। कैपिटल जिस दिखाते हैं ये 1/r हो गया, इसका मात्रक कोण इनवर्स या महो कहलाता है। ये हो गया वैद्युत चालकता। ऐसे ही आप विशिष्ट चालकता के बारे में जानें, विशिष्ट चालकता। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, तो चालक के पदार्थ के विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। और इसे हम सिग्मा से दिखाते हैं, 1/ρ हो गया। अब इसका मात्रक क्या हो जाएगा, क्योंकि ये ओम मीटर था, इसी का रिवर्स हो जाएगा, इसका मात्रक ओम इनवर्स मीटर इनवर्स या महो मीटर इनवर्स होता है। तो ये टॉपिक आपको समझ आए होंगे कि प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है, इसका मात्रक क्या है, इसको कैसे परिभाषित किया जाता है, वैद्युत चालकता क्या है और विशिष्ट चालकता क्या है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। तो ये पदार्थ के चालक के पदार्थ का गुण होता है, जबकि जो प्रतिरोध होता है वो चालक का गुण होता है, उसकी लंबाई चौड़ाई पर निर्भर करता है। यहाँ पर ये लंबाई चौड़ाई पर नहीं बल्कि ताप पर और उसके पदार्थ की प्रकृति निर्भर करता है। बच्चों को ये बात समझ आई होगी, ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा, जो भी समस्या आएगी मैसेज जरूर करिएगा। गुड लक बच्चों।